नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सामने द्वारा जीवन रक्षक ORS घोल व स्तनपान जन जागृति रैली तथा जग जगा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर इसका महत्व बताया गया। रैली का शुभारंभ IMA हॉल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर चांडक, वरिष्ठ चिकित्सक तथा पूर्व अध्यक्ष विजय धोटे, डॉक्टर शिवम पुन्यानी आदि ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस जन जागृति रैली में आकर रंगभूमि एंड कल्चरल एकेडमी, सुवर्ण नर्सिंग कॉलेज, श्री दत्त पैरामेडिकल से नर्सिंग के प्रशिक्षणार्थी छात्रों तथा शहर के सभी चिकित्सकों ने भाग लेकर इसे सफल बनाने हेतु प्रयास किए। सर्वप्रथम बस स्थानक परिसर में स्थित आस्था लेबोरेटरी के प्रांगण में आकर रंगभूमि तथा कल्चरल एकेडमी के कलाकारों ने नुक्कड़ चौराहे पर खुले में बेचने वाले खाद्य पदार्थ तथा पानी पूरी आदि से होने वाले विकार तथा उत्पन्न होने वाले जानलेवा बीमारियों, जीवन रक्षक घोल ORS किस प्रकार उपयोगी है इसकी जानकारी दी। वहीं नवजात शिशुओं के लिए माता का दूध अमृत तुल्य होता है, इसलिए माताओं को बच्चों को कम से कम 6 माह स्तनपान जरूर कराना चाहिए तथा खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से स्वच्छ करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। इस विषय पर जन जागृति हेतु नुक्कड़ नृत्य द्वारा प्रस्तुति देकर वाहवाही लूटी गई। वहीं उपस्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जीवन रक्षक घोल ORS घोल के पैकेट वितरित कर इसका महत्व बताया गया। इस आयोजन की सफलता डॉक्टर नीलेश कुंभारे, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर उमेश जीवतोड़े, डॉक्टर अमित बाहेती, डॉक्टर नितिन पोटोड़े आदि ने परिश्रम लिया। वहीं डॉक्टर विजय घटे, डॉक्टर भगत आकार, रंगभूमि के आकाश पैनीकर, दत्त पैरामेडिकल के जामुवंत वारकरी, सुवर्णा नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य व शिक्षकों ने परिश्रम लिया। ORS जन जागृति रैली इस बार निकाली गई। इस बार ORS का प्रयोग जन जागरण में सब जगह पहुंचने के लिए, डायरिया में उसका इस्तेमाल के लिए और उससे उसके फायदे बताने के लिए आज ये पथनाट्य का आयोजन किया गया। IMA और आकार रंगभूमि की तरफ से लोगों ने बड़े उत्साह से इसको देखा, इसका स्वागत भी किया और मेरी आशा है इस जन जागृति करके समाज में ये फैले, ये जो दस्त वगैरह लगते हैं इसमें ORS देके अपन न जाने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। इसी का हमारा आज का ये आयोजन था और हमारा प्रयास था। ये ORS का घोल तो हम बच्चों को, बड़ों को वापरना है जैसे सर ने बताया, लेकिन नवजात शिशु को जो पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और जो बॉडी में वाटर का प्रमाण होना चाहिए, जो फैट्स का प्रमाण होना चाहिए, वो सारे की पूर्ति स्तनपान से होती है। तो स्तनपान 6 महीने तक के शिशु के लिए आवश्यक है और उस जो बाकी कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को पानी देना चाहिए या कुछ और ऊपर से चीज़ें देना चाहिए वो गलत है। स्तनपान ही शिशु के पूर्ण विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 6 महीने तक। NBC न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत सोलापुर डिवीजन के 15 रेलवे स्टेशनों का कायापलट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सोलापुर रेलवे स्टेशन के लिए 55.85 करोड़ रुपए देंगे, जबकि सोलापुर डिविजनल के सभी रेलवे स्टेशनों को करीब 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके चलते आज के समारोह के लिए रेलवे पुलिस की भारी सुरक्षा यहाँ तैनात की गयी। देश में प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में अमृत भारत स्टेशन योजना का भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर अमरावती जिले के चांदूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल नहीं किए जाने पर गुस्सा व्यक्त करने के लिए स्थानीय रेल रोको कृति समिति ने केंद्र सरकार और सांसद रामदास तरस के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस समय प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और रिहा भी कर दिया। इस समय वहां ग्रामीण पुलिस और रेलवे पुलिस की भारी मौजूदगी थी। इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। भारत स्टेशन योजना अंतर्गत आज अनेक ठिकाणी रेलवे स्टेशन चे उद्घाटन सोहळा सन्माननीय पंतप्रधान मोदी जी यांच्याकडून चालू आहे। त्यामध्ये आमच्या चांदूर रेल्वे तालुक्यावासियांची अनेक वर्षापासूनची मागण्या ज्या आहेत त्या मागण्यांना बेदखल करून किंवा चांदूर रेल्वे स्टेशनला या योजनेत समाविष्ट न केल्याबद्दल आज संपूर्ण चांदूर रेल्वेवासियांकडून रेल रोको कृती समितीतर्फे केंद्र सरकारचा अधिकार काळे झेंडे दाखवून केंद्र सरकारचा अधिकार करण्यात आलेला आहे। आज रेल्वेचे थांबे नसल्यामुळे चांदूर रेल्वेचा व्यापार ठप्प पडलेला आहे, विद्यार्थी बेहाल आहेत, महिलांच्या आरोग्य व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे। अशा व्यवस्थेत आमचा गाव, आमचा तालुका हा बर्बादीकडे आहे। अशा बर्बादीतून वाचवण्यासाठी आम्ही आज केंद्र सरकारचा अधिकार केला, जेणेकरून आमच्या मागण्या त्यांनी तात्काळ पूर्ण कराव्यात।
जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर याच्यानंतरचा तीव्र संताप आम्ही व्यक्त करू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिलता रखी, वहीं अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भी लगभग 800 करोड़ रुपए के कार्यों की आधारशिलता रखी गई। इस अवसर पर सांसद नवनीत राणा, सांसद अनिल बोंडे, विधायक रवि राणा सहित रेलवे स्टेशन के सभी अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र विधानसभा के नए विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने नवी मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वडेट्टीवार ने कहा कि जब से बीजेपी आई है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ही हुआ है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, जबकि बीजेपी सरकार पर पहले से ही महाविकास आघाड़ी से डर बैठा हुआ है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव हुए तो बीजेपी की हार तय है। वेतन न मिलने के कारण पिछले 2 महीने से नासिक शहर के सिटी लिंक बस सेवा कर्मचारी हड़ताल पर है। 3 दिनों से सिटी बस सेवा बंद होने से नागरिकों और विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। सिटी बस ऑपरेटर के कर्मचारी लगातार वेतन में देरी से नाराज है। कर्मचारियों ने वेतन और हमारी अन्य मांगे पूरी होने के लिए तीव्र हड़ताल जारी करने की चेतावनी दी है। आम्ही आतापर्यंत त्यांना निवेदन दिले, वेगवेगळ्या मागण्या दिल्या, आतापर्यंत त्यांनी आम्हाला निवेदनामध्ये फक्त आश्वासनं दिलेले आहेत। या ठिकाणी काम करणाऱ्या सगळ्यांचे पेमेंट होतात, एकमात्र जो कंडक्टर वाहक म्हणून काम करतो, जो पैसे घेऊन येतो त्याचाच पेमेंट रखडवला जातो, त्याला पेमेंट देण्यामागे 2-3 महिने का लागतात असे प्रश्न विचारल्यावर ते आम्हाला उत्तर देतात की आमची त्याच्यावर कारवाई चालू आहे। पण आता हे आंदोलन सर्व आम्ही फॅमिली मेंबर्स किंवा सर्व आम्ही एकत्र काम करतो, सर्वांनी मिळून हे आंदोलन पुकारलेलं आहे, यात कुणाचा समावेश नाही। आमच्या आंदोलनाच्या मागण्या एवढ्याच आहेत की आमचे पेमेंट किंवा आमचे जे PFSI सगळे किंवा बोनस वगैरे ते वेळेवर मिळावे, आणि जोपर्यंत हे आमच्या अकाउंटला येत नाही तोपर्यंत आम्ही गाड्या काढणार नाही। हे आम्ही सगळे वाहक मंडळी, आमची एक फॅमिली आहे, आम्ही इथे काम करतो, आम्ही सगळ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे की आता आम्ही परत आंदोलन करणार नाही, हे आमचं लास्टचं आंदोलन आहे। यावेळेस आमच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय झालाच पाहिजे, कारण मागच्या वेळीसुद्धा विधान परिषदेत आमचा मुद्दा मांडलेला होता, तरी त्यावेळेस आम्हाला जे आश्वासन नाही, जोपर्यंत आमच्या पूर्ण समस्या आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांबाबत जोपर्यंत प्रशासन थोड्याफार पद्धतीने याच्यात सहभाग घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या कामावर येणार नाही। 700 कर्मचारी आहेत, त्याच्यात 2 डेपो येतात, एक नाशिक रोड डेपो येतो तर एक तपोवन डेपो येतो। आगामी 9 अगस्त को प्रहार जनशक्ति पक्ष द्वारा विधायक बच्चू कड़ू के नेतृत्व में विभागीय आयुक्त कार्यालय पर किसान मोर्चा निकाला जाने वाला है, जहां ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सत्ता में होते हुए भी बच्चू कड़ू आखिर मोर्चा क्यों नहीं निकाल रहे हैं। जिस पर जवाब देते हुए बच्चू कड़ू ने कहा कि सत्ता में होते हुए मोर्चा नहीं निकाला जा सकता, ऐसा किसी भी प्रकार से संविधान में प्रावधान नहीं है, और ये सिर्फ मोर्चा नहीं तो अभियान है जिसके चलते हम इसे पूरे राज्य में क्रियान्वित करेंगे। सत्तेत असून मोर्चा काढू नये असं काही घटनेत तरतूद नाही, कायद्यातही नाही आहे, आणि आम्ही जेव्हा पाठिंबा दिला तेव्हा पाठिंबा घेणाऱ्यांनी असं काही म्हटलं नाही की बाबा सत्तेत असून मोर्चा काढू नका, असे काही बंधनं नसते। आणि ही मोर्चासोबतच हे चळवळ आहे आणि ते चळवळ आम्ही राज्यभरात उभारणार आहोत। याच्यामध्ये प्रामुख्यानं शेतमजुरांचा, ज्याच्यासाठी एकही योजना नाही, साधं शेतकऱ्याला साप चावला तर अपघात विमा तरी भेटतं पण मजुराला ते भेटत नाही, आणि मग किमान एक योजना त्याच्यासाठी करावं। भांडे घासणाऱ्या महिला, घरकाम करणाऱ्या महिला, त्यांच्यासाठी खरं तर ठोक योजना होणं गरजेचं आहे। प्रकल्पग्रस्त आहे, जमीन जुमला सगळं गेलं, हाती काही भेटलं नाही, ना नोकरी भेटली ना पैसा भेटला, या सगळ्या आणि पेरणी ते कापणीपर्यंत सगळे कामं MRSS व्हावं। कंत्राटी कामगार म्हणजे 10-10, 20-20 वर्ष आयुष्य खाजगी कामगार कंपनीत काम करतं, पण ते कंत्राटीच राहतं, ना त्यांची पगार वाढ होत, ना त्यांना बाकीचे फायदे होत, सगळ्या गोष्टीला घेऊन आम्ही हे जे सरकारच्या तिजोरीतून ज्याच्यासाठी पैसे जात नाही त्याच्यासाठी हे आंदोलन आम्ही 9 तारखेला करतोय। एवढे मोठे प्रश्न आहे, हे काही बच्चूकडूच्या एकाच्या आवाजानं होणार नाही, याला जनतेचा आवाज लागणार आहे। मी धरलो विधानसभेत बोललो, लगेच हे काही मशीन होय काय, कडवा कटर इकडून टाकली तिकडून निघाली। वर्धा जिले के पवनी गांव में प्राचीन मूर्तियां तोड़ी गई है। पवनी गांव में हाईवे के पास एक मंदिर है और मंदिर में मूर्तियां टूटी हुई हालत में है। नागरिक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्राचीन मूर्ति जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की मूर्ति है और ग्रामीण इसे नई मूर्ति में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।
आमच्या गावातील हे प्राचीन काळातील मूर्त जैन समाजाची आहे, करिता या सारखी महावीर जैन समाजाची कमीत कमी 100 वर्षाच्या अगोदरची मूर्ती आहे, फुटून तुटून आहे तुम्ही बघू शकता। त्यासाठी काहीतरी शासनाने वगैरे इथे बांधकाम किंवा त्यांना स्थापना करण्याकरिता जागा देणे करावी किंवा मंदिरासाठी लक्षता द्यावी। मोदी से श्री तिरुपती बालाजी तक 1252 किलोमीटर की पदयात्रा का शुभारंभ आज वालचंद बापूजी ग्रुप ऑफ होटल्स धूले के राजेंद्र वालचंद शिंदे द्वारा किया गया। श्री पिंपला देवी के दर्शन करने के बाद श्री इस पदयात्रा का यह 9वां साल है जहां राजेंद्र शिंदे ने भक्तों के साथ इसकी शुरुआत की। राजेंद्र शिंदे हर साल विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करते हैं जिसके तहत वे साइकिल से हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। वे हर साल तिरुपति बालाजी की पैदल यात्रा भी करते हैं। पिछले 8 वर्षों से वे मोदी क्षेत्र से सीधे श्री तिरुपति बालाजी तक पैदल यात्रा करते आ रहे हैं। प्रभात पाई के अनुसार ये पदयात्रा राजेंद्र शिंदे के निवास स्थान मोहाड़ी से श्री तिरुपति बालाजी तक शुरू हुई। पदयात्रा श्री पिंपला देवी के दर्शन के बाद शुरू हुई। 2 माह की इस पदयात्रा के बाद श्री तिरुपति बालाजी पहुंचेंगे। धुळे तो तिरुपति बालाजी पैदल यात्रा 2 महिन्यासाठी पायी पायी जात आहे। बालाजीना जायापासून माझं सर्व चांगलं होत गेलेले आणि होते दान धर्म आपल्या हस्ते व्हायलाच पाहिजे त्या दृष्टिकोनी बालाजीची मेहरबानी आणि का बालाविकचे प्रेम आमच्यावर पहिल्यापासून जातोय। पहिल्यापासून आनंद आहे, दरवर्षी मी जातो दरवर्षी माझी प्रगतीच होते आणि बालाजी जाऊन माझं कधी चांगलंच होत चाललंय म्हणून कायम बालाजीला जातो मी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता शशिकांत रावंदले, गोपी रावंदले, आरबी पाटिल, कैलाश गाडे, पूरी शिंदे परिवार के साथ साथ सहकर्मी और रिश्तेदार उपस्थित थे। इनबीसी न्यूज के लिए अक्सान सारी की रिपोर्ट। कैबिनेट विस्तार नहीं होने के कारण विधायक बच्चू कड़ू ने मंत्री पद के लिए अपना दावा छोड़ दिया है। जब बच्चू कड़ू से पूछा गया कि विस्तार कब होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अमेरिका में रहूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो जैसा है वैसा ही रहने दो। झाला तो मी राहणार नाही अमेरिकेत राहीन, मग आता तो विस्तार करूच नका म्हणून करू नये विस्तार त्यांनी, आता जसं आहे तसं चालू ठेवा, विनाकारण अधिक 4 लोकले दुखी करा आणि हेले घेतलं नाही तेले घेतलं नाही, सरकार असते ते म्हणजे चांगल्या पद्धतीने चालत आहे आणि जे आता सध्या मंत्री आहे ते सक्षम आहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।